हेलो जी, दिस इज माय आउटफिट ऑफ द डे। आज मैं अपने ना घर वाले कपड़े लाना भूल गई थी, तो मैंने मामा से कहा मुझे कुछ अपने कपड़े दे। सो मामा हैज गिवन मी हर टी शर्ट जो वो घर में पहनती हैं एंड हर ट्राउजर। दिस इज माय OOTD। इट्स टू लूज, इट्स कम्फी बट फनी एट द सेम टाइम, इट्स लुकिंग फनी ऑन मी। एनीवेज आज बज गए 6। आज मेरा व्लॉग मैं शुरू नहीं कर पाई बिकॉज मैं आज बहुत देर से उठी थी, आई थिंक 2-3 बजे मैं उठी। फिर बस मैं नाश्ता किया, मम्मा आ गई, फिर मम्मा के साथ बातें करते करते हम लोग सो गए। अभी मैं उठी हूँ, आई जस्ट टेकन शावर, तो मैंने कहा व्लॉग अभी शुरू कर देते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या करना है। आज मेरे बाबा भी वापस आ रहे हैं गाँव से, भी आपको मिलवाऊंगी और अब देखते हैं आज हम क्या करने वाले हैं। ओके जी, आई हैव मेड इट लुक मोर देसी। मैंने ऊपर जैकेट पहन लिया क्योंकि ठंड मुझे लग रही है। एंड दिस इज माय फाइनल OOTD। बाय द वे, आज मेरे माथे पे ये एक दाना निकल आया। बस ये ना मुझे माथे में यहाँ दर्द हो रहा था, पहले तो कुछ फील नहीं हो रहा था और दिन को जब मैं उठी हूँ यहाँ पर ये इतना बड़ा पिंपल सा बना हुआ था एंड इट्स सो पेनफुल। ऐसे मेरी स्किन ऐसे लग रहा है खिंच रही है और होंठों का तो आपको पता है ऑलरेडी एलर्जी फिर से पता नहीं किसी वजह से ट्रिगर हुई है, होंठ मेरे आज फिर लाल हुए हैं। So, ये सीन है। इन टुडेज एपिसोड ऑफ कुकिंग, मामा आज साग बना रही हैं। डेली कोई ना मुश्किल काम पकड़ के जो है ना फजूल में एक्स्ट्रा मेहनत करनी होती है। अभी तक मामा की तबीयत ठीक नहीं हुई लेकिन आज साग पक रहा है। तो क्योंकि आज ब्लॉग लेट स्टार्ट किया है, सना भी ऑलरेडी घर आ चुकी है। ये देखें आपको सना के ना साइड पोज ही देखने को मिलेंगे क्योंकि सना का जो है ना पर्दा है बहुत सोशल मीडिया से। क्या मतलब पर्दा है? मुझे क्या पता, तुम्हारा अपना ही किसी किस्म का पर्दा है। सना को बहुत ज्यादा वो होता है वीडियो किसी में सना की शक्ल नजर ना आ जाए, बस मुंह के अलावा बेशक बाकी बॉडी सना इज फाइन विद दैट नजर ना आए। हेलो, चलो मीट माय बाबा। ये मेरे बाबा हैं, अभी अभी आए हैं वापस और बाकी सबसे तो आपने मिल लिया है। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे थे जी? क्लियरली नॉट वन सालन वाज इनफ। मामा ने साथ में यहाँ पे आलू अंडे भी रखती हैं। तनी क्यों मामा, एक साथ दो सालन जाने की क्या जरूरत होती है? नहीं, तो इसलिए किया है कि साग खत्म होने वाला है, मार्केट में खत्म होने वाला है, इसलिए वो जो है वैसे ही बन रहा है ना। रैंडम डिश है और साथ खाना और बन रहा है। ओके जी, आज का दिन तो बस ऐसे ही घर में बैठे बैठे गुजरा है, कुछ खास हम कर नहीं रहे। अभी बज रहे हैं 8:30 और मेरी पहले 8 बजे मीटिंग थी, क्लाइंट ने मीटिंग जो है 1 घंटा आगे पुश कर दी और मुझे अब भूख लग गई है। तो सना जो है वो ये बना रही है सबके लिए अंडा शामी वाले सैंडविच, ये हम खाएंगे। अभी कोशिश करनी है कि 9 बजे से पहले ये बन जाए ताकि मैं खा भी लूँ बिकॉज मेरी हालत शदीद खराब है। साग बन रहा है मम्मा का, मैं बहुत गर्म में रहने देते हैं इसको। ये आलू अंडे बनाए हैं मम्मा ने, सोच रही हूँ कि ना आलू अंडे के सैंडविचेस बनते हैं ये ब्रेड के अंदर लगा के, तो आप सैंडविच मेकर में रखो और साथ में चाय पियो, बहुत मजे के होते हैं। कंफ्यूज होगा मैं सैंडविच खाऊं आलू अंडे के या साथ में रोटी खाऊं। ये चेक करिए तो इतने मजे के लग रहे हैं। सैंडविच वैंडविच बनाते हैं जल्दी से और फिर खाते हैं। ओके जी, डिसीजन हैज बीन मेड। जो हूं ना ये सैंडविच बनाने लगी हूँ आलू अंडे के। हम सबसे पहले जो है ना पहले तो इस एरिया को खाली करते हैं, सैंडविच मेकर को देखते हैं। इसको लगा दिया, यान हो गया। तो यान कैसे होगा? ओवन के पास लगाओ। उतारते हैं और ओवन के पास लगाते हैं। कहाँ लगाऊंगी, ऊपर इधर ना इधर लगा देते हैं। शामी कबाब वाला सैंडविच बनाना है। अभी यहाँ पे मैं दूसरे वाला बना रही हूँ, इसको टोस्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके जी, इसको लगाते हैं। ये लग ही नहीं रहा है, मैं पहले लगा लूँ फिर ब्लॉक करती हूँ। जी यान हो गया, अब बनाते हैं आलू अंडे वाला सैंडविच। इसका बड़ा इजी सा सीन है, इसमें आपने लेने हैं 2 सैंडविच, ऐसे रखना है, एक सैंडविच अलहदा करते और ये जो सालन बना है ना इसको लेना है। ये छोटे चम्मच से लेती हूँ वरना जो है ना मच जाएगा इधर। ये लेना है एंड ये जो सैंडविच है ना ये हम बचपन में बहुत बनाते होते थे जब मैं कुछ नहीं होता था और ये बना हो ना आलू अंडे रहते रोज रोटी खाने का दिल नहीं है तो हम ये ना सैंडविच के अंदर लगा के इसी तरह से, ये बड़े मज़े का बनता था। सला इतना काफ़ी है, इसको आप बस स्प्रेड कर ले। And this is going to be very yum. और ये वाली जो ब्रेड है इसको हमें यहाँ पे रखना है, तो मैं कट करती हूँ और कट करके सैंडविच मेकर में लगाती हूँ। जी गर्म हो गया, इसकी दूसरी लाइट ऑन हो गई है। सैंडविचेस हैं, मैंने इसके 4 पीस कर दिए और अब इनको मैं रखूंगी ऐसे। ओके जी, 4 पीस मैंने रख दिए हैं और इसको अब हम बंद करें। यहाँ वाला जो है ना वो टूटा हुआ है, इसको मैं थोड़ी देर ऐसे पकड़ूंगी ताकि ये थोड़ा वो अंदर स्क्वीज हो जाए, फिर इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगी। टाइम टू चेक माई सैंडविचेस, ये हो गया। तो नाइफ लेते हैं, परफेक्टली डन। टाइम बहुत कम है, बचने वाले हैं। लेट्स होप क्लाइंट 1 घंटा और आगे पुश कर दे कि मैं आराम से तुमसे खा सकूं। मीनवाइल हमारे कबाब बन रहे हैं, अंडा बन रहा है, ये अभी बहुत सारे टोस्ट हो रहे हैं। अभी शामी कबाब और अंडा लगाएंगे और सैंडविच टाइप बनाएंगे। यार खाना तो बनने में अभी 5-10 मिनट और लगेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। 10 मिनट रह गए,
तो मैं जो हूँ ना अपना लैपटॉप वगैरह सेट कर देती हूँ फॉर द मीटिंग। तो अगर तो क्लाइंट ने मैसेज कर दिया, अब मैं आई एम होपिंग कि क्लाइंट खुद ही कह दे, 5-10 मिनट देर हो जाएगी, ताकि जो है ना मैं खाना आराम से खा लूँ। इसको खोलते हैं, ऑन करके रख देती हूँ, ताकि अगर मीटिंग होती है तो मैं फ़ौरन इधर लैपटॉप पे आ जाऊँ। तो जी इवेंचुअली आई हैड टू टेक द मीटिंग, पूरे 9 बजे क्लाइंट आ गया था, मीटिंग हो गई है, 9:30 हो गया, जाके खाना खाती हूँ। ओके जी, हमारे सैंडविचेस की हालत थोड़ी ख़राब होगी, मम्मा सना ने अपना खाना खा लिया, तो वो कटिंग करते हुए ना दे डू नॉट लुक नाइस। अब मैं खाना खाने लगी हूँ फाइनली, बहुत भूख लगी हुई है। ओके जी, हमने खाना साना खा लिया, तो हो रहे हैं हम तकरीबन 12 होने वाले हैं, तो थोड़ी देर में हम लोग सो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, सो सी यू गाइस टुमारो। कल मैं घर जा रही हूँ वापस, फिर कल मिलते हैं। यू डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय।